पहले भी किया है फिर क्योंकि हमने पहले खाते को एजुकेशन डिपार्टमेंट को तालीम देने का जरिया नहीं समझा है, हमने इसको रोजगार देने का जरिया समझा है। फर्क किया है एवरीबॉडी। ये पहले ये होता था कि एमपीए साहब से मेरे और यान जैसे कोई 85 में 86 में, मैं नाम नहीं लूंगा नाम एरिया भी बताऊंगा, मैं बताऊंगा एमपीए साहब था उस जमाने में मोहम्मद खान जुनेजी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने डिसीजन किया कि कोई जो टीचर होगा वो मैट्रिक पास जो भी हो सब उसको टीचर बना देंगे जो भी हो। तो फिर एक लड़का गया उस एमपीए साहब के पास कि साईं मैं क्वालिफाइड हूँ, साईं मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे सरकार मुझे जॉब दे दो कि कौन सी बेटा जैसे मास्टरी दे दो टीचिंग की जॉब दो। तो उसने कहा आपने क्या पढ़ा है? उसने कहा सर मैं बहुत क्वालिफाइड हूँ, क्या पढ़ा है बेटा? उसने कहा मैंने सर एमए की हुई है। जी जाओ यहाँ पे मैट्रिक वाले धक्के खा रहे हैं, तुम एमए वाले आए हो, जाओ पहले मैट्रिक करके लाओ, क्योंकि वो क्वालिफिकेशन ही मैट्रिक थी। तो उसके जहन में ये था, वो बेचारा अनपढ़ था, उसके जहन में ये था कि मैट्रिक कोई इतनी बड़ी डिग्री है जो करने के बाद टीचिंग होगी, एमए पीछे में पता नहीं क्या है, बीए करके घूम रहे हैं। ये आलम था। मैं ऑनेस्टली मैं पॉलिटिकल बंदा हूँ, सियासी तारीख का छोटा सा शागिर्द हूँ, मैं समझता हूँ कि ये क्यों शुरू किया गया, ये एमआरडी तारीख की सजा दी गई। सिंध ने लीड किया था एमआरडी मूवमेंट में, पूरे पाकिस्तान में जो जमहूरी जदोजहद चली थी यहाँ के लोगों ने चलाई थी, एमआरडी मूवमेंट एंटी मार्शल लॉ एंटी जनरल जयाल जी अफ्तदी भुट्टो साहब की फांसी के बाद। तो वो उसको एक ही तरीका निकाला गया कि इसको इस तरह तबाह किया जा सकता है कि इनको तालीम तबाह कर दो, अनपढ़ जाहिल मास्टर दे दो, टीचर दे दो। आज भी हमारे सिस्टम में काफ़ी ऐसे मौजूद है, मैं सबके नाम नहीं रखा देता हूँ, इन पर नाराज हो जाता है टीचर कहता है कि ये कहता है, मैं नहीं कहता, काबिल भी होंगे ऐसे भी होंगे मेरे जैसे भी होंगे। तो बहरहाल ये पूरी कहानी रही, अब हमें ओन करना है। मैं इसलिए असेंबली फ्लोर पर इनके साहबान को मैंने रिक्वेस्ट की, सजेशन भी अपोजिशन से आई थी, तो मैंने इनको कहा कि आप ऑन करें, सोसाइटी के पढ़े लिखे लोग आगे पढ़ें, ये गरीबों के बच्चों को पढ़ाना इनको बचाना ये हमारी अपनी अपना बचाव है। हम पढ़ के समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा डिफेंस में कोठी बना ली है, बंगलो बना दिया है, हम नहीं सोचते कि पंजाब कॉलोनी दिल्ली कॉलोनी के स्लम्स में कुछ ऐसे बच्चे भी पढ़ रहे हैं जो स्कूल में दाखिल नहीं है, तो कहाँ से खाएंगे? इसी हमारी दीवार को खदान के हमारे घर से हमारी बेटियों का जहेज उठा के वो अपना गुजर सफर करेंगे। अगर डायरेक्शन हमने चेंज अगर नहीं की तो हमने अगर हमने इनको नहीं पढ़ाया तो इसलिए हमें इनको पढ़ाना है। हमें वो तब पढ़ सकते हैं जब हम सब मिलके गवर्नमेंट और सोसाइटी क्लब होके इस काम में आगे बढ़ेगी, तब नतीजा खैज होगा, वरना नहीं होगा। वरना यही होगा कि कोई एक दो रिफॉर्म्स इनिशियली आ जाएंगे तो आ जाएंगे, मगर उसका मसला होगा उसकी कंटिन्यूटी का, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, सस्टेनेबिलिटी के इशू होंगे, फिर आगे चल के वो चीज़ें खराब हो जाएंगी। मैं एजुकेशन में जब आया तो मैंने देखा एजुकेशन डिपार्टमेंट एक लेबॉरेटरी है तजुर्बों की, जो भी आया है नया उसने ताले आजमाई की है और डिफरेंट अंदाज में की है। फिर ये हुआ है कि पैसों के ज़ियान होता रहा है उनको, एम्प्लॉयमेंट मैंने कहा ना कि एम्प्लॉयमेंट ओवर एम्प्लॉयमेंट ओवर एम्प्लॉयमेंट। अब हमारे डिपार्टमेंट के 366 अरब बजट में से 92% अगर तनख्वाहों पे और पेंशन पे चली जाए तो आप समझ सकते हो कि हमारी अप्रोच क्या थी। हमारी अप्रोच यही थी कि ये रोजगार का जरिया है डिपार्टमेंट, तालीम का नहीं। तभी हम ये स्कूलों की हालत देखते हैं, मुझे दुख होता है। तो फ्लड में हमारे 20,000 स्कूल ख़त्म हुए आउट ऑफ 41,000 स्कूल्स। अब उनको ठीक करने के लिए हमारे पास वसीले नहीं है, और जिनके पास कोई गांव का कोई देहात का कोई बड़ा है, कोई वहाँ का जमींदार है, कोई सेठिया है, कोई मिल मालिक है, वो चाहता है कि मेरा बच्चा जो है वो इलीटेस्ट स्कूल में पढ़े, इलीट से इलीट स्कूल में पढ़े, और उस स्कूल का कोई हाल दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। गवर्नमेंट के पास जितने फंड हैं वो नाकाफ़ी है। ये चीफ इंजीनियर बैठा हुआ है, इनको पता है मैं 15 दिन 20 दिन के महीने के बाद मीटिंग करता हूँ इंजीनियरिंग विंग की। आई नो कि प्रेफरेंसेस बीच रहे हैं कि उनको कंट्रोल करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, मगर 16,000 स्कूल ठीक नहीं हो पाएंगे दो तीन सालों में। मैं नहीं देख रहा कि हमारे पास वसीले नहीं है,
बच्चों का क्या होगा दोस्तों? क्योंकि जो सबसे ज्यादा जो बजट है हम खर्च कर रहे हैं तनख्वाह पे, आइडियली ये होना चाहिए था कि मेरा तो ओपिनियन ये था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को करना आइडियली ये चाहिए कि ये जो हमारे पास पोस्टें हैं कोई ऐसा एक्ट पास करके आगे फ्यूचर जो एम्प्लॉयमेंट हो वो हो ही मार्केट बेस्ट। मेरा तो ये ओपिनियन है कि सारी बजट को क्लब करके हेडमास्टर साहिबा को दी जाए, भाई तुम रेस्पॉन्सिबल हो, ये हम आपको पैसे दे देते हैं जो जो हमारे पास 20-25 लाख सालाना बचते हैं, काम भी तुम छोटे मोटे खुद कराती रहो, अपनी सफाई का इंतजाम भी खुद करो, चौकीदारी का भी तुम खुद रखो, इसका सारा निज़ाम रख लो, तो मैं समझता हूँ उस पर अकाउंटेबिलिटी आप रखें। तो हो सकता है मगर ये इतना बड़ा डिसीजन है आजकल के माशरे में लेना कि सारे ये सोचेंगे कि भाई आप जो है वो इसको प्राइवेटाइज करने जा रहे हो, ये ख़त्म करने जा रहे हो। पहले हमने दो हम ऐसे मैंने तो ये फ्लोट कैबिनेट में भी ओपिनियन ये रखा था, मैंने सीएम साहब के पास मीटिंग्स में भी ये ओपिनियन रखा था कि हम इस मैं इस ओपिनियन का हूँ कि ये बजट सेंट्रलाइज करने के बजाय ये बजट जो है वो नीचे दी जाए। हमने क्लस्टर पॉलिसी भी लाई हुई, बड़ी ज़बरदस्त है वो क्लस्टरिंग वाली, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अब होना है। हमारे कोई 2000 के करीब क्लस्टर बनेंगे, तो वो क्लस्टर होगा जिसमें आप 19 स्कूल या 20 स्कूल एक क्लस्टर में होंगे, उसका एक जो होगा वो होगा चीफ हेडमास्टर या चीफ हेड जो होगा, फिर उसके नीचे गाइड टीचर्स होंगे, और इस तरह का एक पूरा डिसेंट्रलाइज्ड प्लान है। इट विल डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, उनको इम्प्लीमेंट होने में कुछ ऐसा लगता है, तो अब यही हमारे पास हल बचता है कि सोसाइटी आए इसको ओन करें और हम उसको कॉपरेट करेंगे। मैंने ऑफिशियल से इसलिए बुलाए कि दे हैव टू कॉपरेट विद द डॉक्टर्स।